आज हम आए हुए हैं बैरियर टाउन स्पोर्ट सिटी में, और स्पोर्ट सिटी में आज हम विजिट कर रहे हैं बैरियर टाउन स्पोर्ट सिटी के विलास। ये 350 स्क्वायर यार्ड से बने हुए हैं। सबसे इसकी ख़ास बात यह है कि इसके बिल्कुल पास में स्टेडियम है, रफ़ी स्टेडियम, जो क्रिकेट स्टेडियम बनेगा फ्यूचर में। और इसकी सराउंडिंग में सारा ये स्पोर्ट सिटी का, मतलब ये जो विलाज है स्पोर्ट सिटी जहाँ पे स्टार्ट होता है वहीं पे लोकेटेड है। और ये 1+3 की प्लानिंग है इनमें, 1 बेडरूम नीचे है और 3 बेडरूम्स ऊपर हैं, और पीछे एक गार्डन भी दिया हुआ है और अच्छी खासी पार्किंग भी है। और जो इनके रूम्स के साइजेस हैं बहुत स्पेशियस हैं, और स्टेयर्स के साथ ये स्टोर रूम भी दिया हुआ है छोटा सा। और ऊपर रूफ़ पे जाने के लिए बाहर गली से स्टेयर्स दी हुई हैं। तो ये स्पोर्ट सिटी के विलास थे, मैंने कहा आज आपको विज़िट कराऊं। और ये रूम्स हैं इसके बड़े बड़े, और वॉशरूम्स भी अच्छे बड़े बने हुए हैं। और इन्होंने 1 बेडरूम नीचे दिया हुआ है, ड्राइंग डाइनिंग लाउंज नीचे दिया हुआ है और किचन, और ऊपर 3 बेडरूम्स हैं और लाउंज है और गैलरी है। और मोस्टली विलास रेडी हो गए हैं, बाकी 50% विलास रेडी हैं और 50% विलास का ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। तो जो रेडी विलाज़ हैं उनके प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, और जो रेडी नहीं है उनके प्राइसेस कम हैं। और आजकल की मार्केट के लिहाज से इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। जितने की कंस्ट्रक्शन आप करते हैं समझे उसी कॉस्ट में आपको विला मिल जाता है। और ये गेट से, मेन गेट से कोई ये 14-15 किलोमीटर के फासले पर है। और अब जो शुरू में जहाँ पे जो रेडी हो चुके हैं विलास, वहाँ पर आबादी भी है, लोग रह रहे हैं, और फ्यूचर में ये बहुत अच्छी जगह होगी। थैंक यू।